हमीरपुर बाजार में धनतेरस के उपलक्ष्य पर काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने धनतेरस पर नए गहने, बर्तन व चांदी के सिक्के खरीदे। हमीरपुर में गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दीपावली की शुरुआत के रूप में चिन्हित होने के अलावा धनतेरस कार्तिक महीने का 13वें दिन भी होता है। धनतेरस देश भर में हिंदू परिवारों और दुनिया के लिए एक शुभ अवसर होता है। धनतेरस हिंदू परिवारों के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि धनतेरस के शुभ दिन पर लोग नए बर्तन, सोना चांदी खरीदना शुभ मानते हैं। ये कहा जाता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी आदि खरीदने से देवी लक्ष्मी खुश होकर परिवारों पर धन की वर्षा करती है। वास्तव में धनतेरस पर पूजा न केवल देवी लक्ष्मी के लिए की जाती है, बल्कि कुबेर के लिए भी की जाती है, जो धन के देवता है। धनतेरस पर कई परिवारों में देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये भगवान से मांगी प्रार्थनाओं के लाभ को दुगना कर देता है। वहीं हमीरपुर में स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इस बार धनतेरस पर लोगों में खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से लोग पहले खरीदारी करते थे, वैसे इस बार नहीं की गई। उन्होंने बताया कि इसका कारण महंगाई व GST लगने से लोग बाजारों का कम रुख कर रहे हैं। दिन जो है लोगों में काफी मतलब एक खरीदारी का काफी उत्साह देखा जाता है, पर इस बार जो है टैक्स भी काफी है, GST के चक्कर में लोग खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, जिससे हमारी मतलब जो भी बिक्री होती थी बिक्री में काफी फर्क पड़ा है। अब से इस साल की सेल में काफी फर्क पड़ा है। पहले हमारा काम जो है हमें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं हुआ करती थी, आज देखो आज बाजार में भीड़ काफी है पर ग्राहक नहीं है, क्योंकि टैक्स लगा दिया हुआ है। तो अब एक आम आदमी जो है वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये जो टैक्स है इससे एक दुकानदार को ही नहीं, एक आम आदमी की जेब पे काफी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि एक आम आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। जो चीज़ एक आम आदमी को 100 रुपये तक मिल जाती थी, अब उस पर टैक्स लगने के बाद वही कम से कम 20-25-30 रुपये और महंगी हो गई है। तो आम आदमी जो है वो खरीदारी करने में विफल है। जो है इस बार लोग ज़्यादातर क्वालिटी का सामान ही पसंद करते हैं और नई चीज़ लेना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत कम नहीं, मीडियम सी। कुछ महंगाई भी ज़्यादा है और साथ में कुछ जैसे टैक्स टूक्स ज़्यादा लग गए हैं, इससे भी लोग ज़्यादा के बढ़ा रहे हैं। और इस साल मेरे हिसाब से कोई 30-35% कम धनतेरस रहती है।